लोगों का टाइम सेव होगा, थोड़े बहुत एम्प्लॉय बेस भी कम होंगे, मगर वो थोड़ा एक माइनस पॉइंट है कि लोगों का थोड़ा रोजगार भी छूटेगा। और एक ही बार आप कोई भी रहेगा चीज़ एक ही बार बना दो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा और बहुत टाइम जैसे सेव होगा, मनी सेव होगा, लोगों की एनर्जी सेव होगी। जैसे कि मतलब ई कनेक्ट होगा इंटरनेट से डायरेक्टली जैसे आप कह रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि लोग जहाँ पे आज 10, 12, 15, 20, 50 इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना टेक्निकल मशीनें होगी, एक ही दो लोगों को काम करेंगे, तो 8 लोग 9 लोग जो भी हो गए 48 लोग वो कहाँ पे जाएंगे, उससे डिपेंड होगा। अगर एक अच्छा भी है, एक प्लस पॉइंट भी, एक माइनस पॉइंट भी, अगर देखा जाए तो उनको कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोगों को और काम मिले और ई करंट पे थोड़ा अच्छा वैल्यू करेंगे, थोड़ा उनसे और सिस्टम और लोग भी उसके साथ साथ काम करें। ये टोल नाके के ऊपर जो अभी ये लिया जाता है प्रोग्राम के हर मोटर के पीछे कार्ड लिखे और ऑटोमेटिक सिग्नल में मालूम पड़े कि इतना रुपया कार्ड में से कट हो गया, जैसे अपन मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं और रिचार्ज में जैसा मोबाइल में पैसा कट होता है वही हिसाब से मोटर में या जो भी ट्रैवल जाएगा उसमें पैसा कट होएगा, तो बेनिफिट ये होएगा कि पब्लिक का समय बचेगा, समय यानी टाइम बचेगा और फटाफट काम होएगा। और जो पीछे लाइन लगती है ना खटारे रिक्शा की जो भी, वो लाइन कम हो जाएगी और पब्लिक को बहुत सुविधा मिलेगी, वो सिस्टम बहुत बढ़िया है और होना मांगता ही है। टोल से ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो टाइम से पहुंच पाता है वो अपने बड़ी कार वाले हो, बाइक वाले हो, जो भी ड्यूटी जाने वाले हो, तो उनको टाइम से पहुंच जाएंगे वो, तो अच्छा रहेगा। नहीं इससे नहीं, ऐसा होता तो पहले कंप्यूटर पे या इस पे भी फ़र्क पड़ता, पर ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, दुनिया आगे है चलेगी, अच्छा रहेगा ना, उससे स्पीड से काम होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, तो रोज़गार में फ़र्क थोड़ी पड़ेगा उससे। इस पर ऐसा है कि अभी जो नवी मुंबई के रहने वाले हैं जो लोग, उनके लिए तो चलो ठीक है, बाकी जो मुंबई में रहने वाले हैं फिर उनके लिए फिर ये सिस्टम करके क्या मतलब है, फिर वो तो कभी कभार महीने में एक दो बार आते हैं तो फिर उनके लिए तो पावती चाहिए अपने को, क्योंकि एक दो बार आने का मतलब है कि पावती अपना निकाल ले चले गए, और आप कार्ड बना के ऐसा देंगे 1200-1300 ऐसा करेंगे तो फिर उनको तो नुकसान है ना। तो अच्छा रहेगा अभी हमारे हिसाब से, अभी उसमें तो पावती लगा फिर वो चेंज का प्रॉब्लम होता था कि उसमें 30-35 रुपीस चेंज देना पड़ा, 100 रुपीस के बाद रिटर्न देना, तो उसमें थोड़ा टाइम सेव होगा तो बेटर रहेगा। ई टोल आने से अच्छा पड़ेगा, रश कम हो जाएगा, टाइमिंग बच जाएगा आदमी लोग का, जो 2-3 घंटा लगता था जाने के लिए तो आदमी थोड़ा 1.5 घंटे में निकलेंगे, थोड़ा कम टाइम में निकलेंगे, घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ, काम पे जाने जल्दी ही नहीं होगा कि भाई घर पे आराम से 2 मिनट और रेस्ट करके बाद में निकलते हैं, अच्छा पड़ेगा ई टोल से मेरे हिसाब से। तो जो पेपर का जो वेस्टेज होता है वो पेपर का उसमें वो आपका बचत हो जाएगा, नुकसान कम होगा, जो पेपर से पोल्यूशन होता है गटर वटर में अटक जाते हैं पेपर्स वगैरह, चिट्ठी विट्ठी प्रीसेप वो बच जाएगा, तो और अपना देश आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा तो बेटर रहेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे।